YouTube चैनल, दिस इज हीना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। गाइस, काफी इंतजार के बाद फाइनली कश्मीर की सिटिंग वीडियो आ गई है। जी हाँ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कि आप कश्मीर में जा कैसे सकते हैं, वहाँ पे आपको कहाँ स्टे करना है, वहाँ पे आपको कैसे घूमना है, कौन सी प्लेसेस है घूमने के लिए, क्या बजट चाहिए एंड सो ऑन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कश्मीर की मेरे पास आप सबके लिए शेयर करने के लिए कि इन केस अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं ट्रिप कश्मीर के लिए एनी टाइम सून, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। एंड ट्रस्ट कीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पीछे बैकग्राउंड क्या है, तो गाइस मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा। जी हाँ, मैं जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ, मैं नॉर्थ गोवा में एक महीने के लिए स्टे कर चुकी हूँ, वहाँ से वैकेशन कर रही थी। एंड करंटली मैं एक और मंथ के लिए साउथ गोवा शिफ्ट हो गई हूँ। सो बेसिकली गाइस, ये कश्मीर की वीडियो शूट हो रही है गोवा से। ये वीडियो में इस बारे में बात नहीं करेंगे, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी साउथ गोवा की भी, कि मैं कहाँ रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं कश्मीर के बारे में, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कश्मीर जाने का बेस्ट टाइम क्या है, कौन से मंथ बेस्ट है, आप अगर अपना ट्रिप प्लान करेंगे तो किस मंथ में करेंगे। देखिए, अप्रैल से अगस्त तक का बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है कश्मीर को विजिट करने के लिए। मैं अपनी बात करूं तो मैं कश्मीर गई थी दिसंबर के मंथ में, एंड ऑफ दिसंबर के मंथ में, एंड मुझे वहाँ स्नोफॉल मिली थी। लोगों का यही मेन क्वेश्चन होता है कि स्नोफॉल कब देखने को मिलेगी। स्नोफॉल और स्नो आपको मिलेगी, लेकिन जब मैं गई थी तो दिसंबर के एंड मंथ में मुझे मिली थी गुलमर्ग साइड, श्रीनगर में मुझे कोई स्नो नहीं मिली थी। लेकिन अगर आप अप्रैल की स्टार्टिंग में जा रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको गुलमर्ग के साथ साथ श्रीनगर में भी आपको स्नो मिल सकती है। आप थोड़ा वेदर फोरकास्ट देख के जाना, चेक करके जाना। बाकी अप्रैल के बाद के जो मंथ्स है उसमें आपको स्नो गुलमर्ग जैसे एरिया में तो पक्का मिलेगी, एंड आपको बहुत ही ज़्यादा साथ में एक प्लीजेंट वेदर भी मिलेगा इंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, सिंस ये पीक टाइम है, ये सीजन का पीक टाइम होता है कश्मीर के लिए। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपना कश्मीर का ट्रिप प्लान कर सकते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ही मैं ये क्वेश्चन पुट कर देती हूँ कि वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का क्या सीन है। देखिए, वहाँ पे कोई भी प्रीपेड सिम नहीं चलती है, आपको पोस्टपेड सिम ही अपने पास रखनी होगी। मेरे पास जियो की पोस्टपेड सिम थी एंड वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा था। वहाँ पे जियो के अलावा एयरटेल, बीएसएनएल, गे कनेक्शन भी अच्छे से वर्क करते हैं, तो इनके आपके पास पोस्टपेड सिम होनी चाहिए। आप प्रीपेड सिम नहीं लेके जा सकते, आपको वहाँ पे जाके अदरवाइज एक न्यू सिम परचेस करनी पड़ेगी, तो ये आप ध्यान रखना इस चीज़ का। गाइस, अब बात कर लेते हैं कि कश्मीर पहुंचा कैसे जाए। देखिए, मोस्टली लोगों की जो प्रेफरेंस होती है वो बाय फ्लाइट होती है, एंड मैं खुद यही आपको रिकमेंड करूंगी वैसे तो, कि जो सपोज कीजिए कपल के साथ जा रहा है, फैमिली के साथ जा रहा है, तो आप डायरेक्ट फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। दिल्ली चंडीगढ़ से आपको बहुत फ्लाइट्स मिलेंगी। बट अगर कोई बजट ट्रैवलर है, मैंने जैसे बजट में ट्रैवल किया था कश्मीर में, तो मैंने किया था बाय ट्रेन। डायरेक्ट कोई श्रीनगर के लिए ट्रेन नहीं है, एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर रही हूँ। अगर आपको जानना है कि आप बाय ट्रेन कश्मीर कैसे पहुँच सकते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, उससे अच्छा डिस्क्राइब कोई नहीं करेगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया है, मैं गई थी चंडीगढ़ से उधमपुर, उधमपुर से देन मैं गई थी बनिहाल, बनिहाल से देन आई वेंट टू कश्मीर। आप पूरा वो देख सकते हैं प्रोसीजर क्या रहता है, क्या रेट्स रहते हैं, पूरा बजट में ट्रैवल किया था मैंने। तो अब फाइनली आते हैं कश्मीर की आइटनरी पे। ये जो आइटनरी मैं बना रही हूँ आपके लिए, ये है 4 डेज की, एंड 4 डेज में ही हम कुछ कवर करेंगे, क्योंकि जनरली आई नो लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है हॉलीडेज की, तो 4 डेज आई गेस इट्स गुड इनफ। बट अगर आपके पास 4 डेज से भी ज्यादा है तो आप बहुत कुछ और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कश्मीर बहुत बड़ा है, 4 दिन में पूरे अच्छे से कवर नहीं हो सकता, बट इन 4 डेज में मैं आपको बताऊंगी कि मेनली कश्मीर को कैसे कवर किया जाए, जो मेन प्लेसेस है कवर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो कश्मीर में लैंड करेंगे या आप किसी पैकेज के थ्रू भी जा रहे हो, सबसे पहले दिन ही काफी लोग जाते हैं गुलमर्ग। बट मैं ये प्रेफर नहीं करूंगी, मैं आपको कहूंगी कि पहले दिन आप लोकल साइट सीइंग देखिए श्रीनगर की। आप जब एयरपोर्ट से आएंगे या फिर स्टेशन से भी आएंगे तो आप श्रीनगर में ही पहले आएंगे। पहले दिन आपको अगर अपना स्टे बुक करना है, आप श्रीनगर में बुक कर सकते हैं, एंड श्रीनगर के लोकल साइट सीइंग को एंजॉय कीजिए। देन हम सेकेंड डे, थर्ड डे पे प्रोसीड करेंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसी जगहों पे। तो डे वन पे आप सबने घूमना है श्रीनगर। से पहले जो आपने श्रीनगर में करना है वो है शिकारा राइड। शिकारा राइड के बारे में मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ।
देखिए वहाँ पे आपको हर अलग अलग प्राइसेस मिलेंगे, कोई आपको 500 रुपए में भी एक घंटे की राइड कराएगा, कोई आपको 800 रुपए में भी कराएगा, कोई आपको 1500 में भी कराएगा, कोई आपको 400 में भी कराएगा। जी हाँ, इतनी ज़्यादा वहाँ पे वेरिएशंस है प्राइसेस की, कोई वहाँ पे फिक्स प्राइस है ही नहीं है। वहाँ पे बेसिकली मैंने की थी 800 में 800 रुपीज़ में डेढ़ घंटे की कुछ शिकार राइड, बट मुझे लास्ट डेज में पता ये लगा था कि 300-400 में भी लोग एक एक घंटे की शिकार राइड करा रहे थे। एंड कुछ ऐसे भी वहाँ पे टूरिस्ट थे जिन्होंने, जिनसे मैंने बात की थी, कि उन्होंने 1500 रुपए में भी पूरे एक घंटे की शिकार राइड की थी। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। वहाँ पे घाट होते हैं, घाट नंबर होते हैं, एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी खड़े होते हैं जो कि आपसे खुद पूछते हैं कि अगर आपको शिकार राइड करनी है नहीं करनी, तो वो 300-400-500 अलग अलग रेट कोई भी बोलता है। बट आप 400-500 में अगर कोई आपको बोल रहा है तो ठीक है, इट्स जेन्युइन। मैं, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा एक्सपेंसिव में करके आई थी, 800 रुपीज़ में मैंने की थी, जो कि बहुत आराम से 400-500 में मैं भी कर सकती थी। ये जो प्राइस है ये पर पर्सन नहीं है, ये पूरी बोर्ड के प्राइस है। ये जो श्रीनगर में प्लेसेस विजिट करने की जो जगह है आफ्टर डल लेक जो आप करेंगे वो है, मैंने नोट डाउन करी हुई है सारी, बहुत सारी जगह ऐसी जैसे कि शालीमार बाग, निषाद बाग, चश्मेशाही गार्डन, परी महल, शंकराचार्य हिल, देन इंदिरा गांधी तुलिप गार्डन, देन निगीन लेक, पूरी लिस्ट मैं आपको शो कर रही हूँ। ये सारी जगह हैं, इनको विजिट करने के लिए जो कुछ एंट्री टिकट्स होती है, सारी जगहों पे नहीं है, बट जितने भी मैंने आपको बाग बताए हैं, गार्डन्स बताए हैं, उनकी एंट्री टिकट नॉर्मली है 25 रुपीज ही रहती है, एंड ये सारी जगहों को आप विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं कि ये सारी जगहों को एक्सप्लोर कैसे करना है, मतलब ट्रैवल के क्या ऑप्शन है। देखिए वहाँ पे अगर आप एक पूरे दिन की सिर्फ श्रीनगर की लोकल साइट सीइंग की कैब बुक करते हैं तो उस कैब के चार्जेस रहते हैं 2000 से लेकर 2500 तक, 2000 से 2500 के बीच में आपको पूरे एक दिन के लिए कैब मिल जाएगी, आपको पूरे लोकल साइट्स के प्लेसेस इजीली घुमा देगी। लेकिन अगर आप एक बजट ट्रैवलर है, मैं दोनों के पर्सपेक्टिव से सिंसियर चीज़ कवर करना चाहती हूँ, तो आप वहाँ पे बहुत सारी जो लोकल कैब्स चलती है, शेयरिंग कैब्स चलती है, आप उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ट्रैवल किया था। सिंस अगर आपको इसको थोड़ा डिटेल में जानना है तो एक वीडियो का लिंक और नीचे आपको मिला है, वो आप देख सकते हैं। गाइस अब आते हैं डे टू पे, तो डे टू पे हम जाएंगे गुलमर्ग, एंड गुलमर्ग इज लाइक शान ऑफ कश्मीर, गुलमर्ग तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, राइट। तो गुलमर्ग हम जाएंगे सेकंड डे पे, एंड सेकंड डे पे आपने गुलमर्ग में सबसे पहले पहुंचते ही करनी है गंडोला राइड। गंडोला राइड की मैं आपको बताऊंगी कि टाइमिंग्स ये है कि 4 बजे से पहले तो आप कोशिश करिए कि आप वहां पे पहुंच ही जाओ, लेट मत करना। मेनली आप कोशिश यही करना कि 11-12 बजे तक आप गंडोला राइड की टिकट परचेज कर ले। टिकट के जो प्राइस है वो फेस 1 एंड फेस 2 के बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि आप गंडोला राइड फेस 1 तक करना चाहते हैं या फेस 2 तक करना चाहते हैं, ये आप उस रेट के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं, आपका जो बजट है। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे कि फेस 2 तक जाना चाहिए या नहीं, हम मेनली ऊपर फेस 2 तक क्यों जाते हैं, हमें स्नो ही देखने को मिलती है नॉर्मली, और थोड़ी सी हाइट और इंक्रीज हो जाती है। एंड गंडोला राइड सिंस हम फेस 1 तक एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग फेस 1 तक बहुत सही है जाना। अगर किसी का बजट बहुत अच्छा है देन यू कैन गो डेफिनेटली, फेस 2 एक्सपीरियंस करके आओ। बट अगर थोड़ा किसी का बजट टाइट है तो मैं कहूंगी कि अगर आप नहीं भी जा रहे हो फेस 2 तक तो बिल्कुल ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। आपको फेस 1 में गुलमर्ग में अप्रैल मई तक भी इनफैक्ट बहुत अच्छी स्नो देखने को मिलेगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात कर लेती हूँ अदर एक्टिविटीज की जो आपको गुलमर्ग में करने के लिए मिलती है, स्नो एक्टिविटीज जैसे कि स्कीइंग वगैरह। देखिए इसके जो मेनली प्राइस रहते हैं वो मैं आपको थोड़ा बस आइडिया दे रही हूँ, 1000 से 1500 के जो जेन्युइन रेट्स होते हैं स्कीइंग के वो यही होते हैं पर पर्सन। बट वो आपको बहुत, वहाँ पे एक्चुअली गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है प्राइसेस को लेके, स्पेशली जब बात आती है एक्टिविटीज़ की, स्नो एक्टिविटीज़ की, तो कोशिश करना कि आप बारगेनिंग ज़रूर करो। नहीं है अगर वो 3000-4000 स्किन के बोल रहे हैं, यू डोंट नीड टू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा है वो। आपको 1500-2000 तक कोई करा रहा है तो बिल्कुल फाइन है, एंड यही जेन्युइन रेट्स हैं वहाँ पे। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अवेयर रहना है आपको सही रेट से। श्रीनगर से जब आप गुलमर्ग जाएंगे उसके ट्रांसपोर्ट भी मैं आपको बता देती हूँ, वो आप जा सकते हैं बाय कैब, एंड जो कैब लेती है वो लेती है 3000 तक, कुछ 3000 अप एंड डाउन, मतलब वो श्रीनगर से आपको गुलमर्ग छोड़ेगी भी एंड गुलमर्ग से वापस श्रीनगर भी, तो 3000 आई थिंक इट्स गुड अमाउंट। आप बुक कर सकते हैं कैब अगर आप फैमिली है, कपल है, फ्रेंड्स का पूरा ग्रुप है। बट बात आती है कि अगर आप सिंगल पर्सन है एंड पूरी कैब बुक नहीं कर सकते, सोलो ट्रैवलर है, बजट ट्रैवलर है मेरी तरह, देन क्या किया जाए। देन आप श्रीनगर से गुलमर्ग तक बाय शेयरिंग टैक्सी में बड़े प्यार से आ सकते हैं, वहां से शेयरिंग टैक्सी चलती है। कोई आपको कहेगा कि नहीं चलती तो
मैं कह रही हूँ चलती है, मैंने खुद इस तरह करा है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि आप श्रीनगर से गुलमर्ग बाय शेयरिंग टैक्सी कैसे पहुंच सकते हो, डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गुलमर्ग की बात हो गई कि गुलमर्ग पहुंचा कैसे जाए, गुलमर्ग में करने के लिए क्या चीजें हैं। यहाँ पे एक और जगह है प्लेस विजिट करने के लिए, जब आप सारी एक्टिविटीज कर लेंगे पूरा आप इंजॉय कर लेंगे। एक वहाँ पे महाराजा हरि सिंह का पैलेस है जो कि हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर है, आप वहाँ पे भी विजिट जरूर कीजिएगा। बड़ी हिस्ट्री है जानने के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बहुत अच्छा है वो देखने के लिए। 10-20 रुपीज कुछ वहाँ की एंट्री टिकट है। बात कर लेते हैं गुलमर्ग में, मैंने आपको स्टे रिकमेंड नहीं किया, तो स्टे की बात की है कि देखिए गुलमर्ग में जो स्टार्टिंग होटल के प्राइसेस हैं, वहाँ पे तो कोई ऐसा कोई होम स्टे वगैरह नहीं है, वहाँ पे जो होटल के स्टार्टिंग प्राइसेस है वो स्टार्ट होते हैं कुछ 4-5 हज़ार, इज लाइक द बेस प्राइस। अब 4-5 थाउजेंड वहाँ से स्टार्ट ही होता है, तो सिंगल पर्सन एंड अगेन बजट ट्रैवलर तो ये नहीं अफोर्ड करेगा। तो मैं खुद वहाँ पे श्रीनगर में ही मैंने वहाँ पे स्टे किया था, मैंने अप डाउन किया था श्रीनगर टू गुलमर्ग एंड गुलमर्ग टू श्रीनगर। तो अगर कोई बजट ट्रैवलर है या फिर सोलो ट्रैवलर है उनको भी मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप अगर 4-5 थाउजेंड का रूम अफोर्ड नहीं कर सकते, देन आप इजिली गुलमर्ग कवर करके सुबह शाम के टाइम यू कैन गो बैक टू श्रीनगर, एंड श्रीनगर में आप अगेन किसी हाउस बोट या होटल में स्टे कर सकते हैं। अगर इनकेस यू आर प्लानिंग टू स्टे इन गुलमर्ग ओनली, देन आप वो भी कर सकते हैं। मैं कुछ होटल्स के आपको रिकमेंडेशन दे रही हूँ कि आप इन होटल्स को चूज कर सकते हैं गुलमर्ग में स्टे करने के लिए। जो लास्ट प्लेस है विजिट करने के लिए गुलमर्ग से, जब आप वापस आ रहे होंगे, आप गुलमर्ग की तरफ जब जा रहे होंगे, एक वाटरफॉल आता है, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है एंड वो फ्रोजन वाटरफॉल होता है, तो उसको भी देखना आप ना भूले, वो भी जरूर अपनी आइटनरी में आप इंक्लूड करना। बात कर लेते हैं गाइस थर्ड डे की। थर्ड डे पे हम विजिट करेंगे पहलगाम को, एंड पहलगाम इज ऑल्सो लाइक रियली ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है। बात कर लेते हैं पहलगाम की। देखिए श्रीनगर टू पहलगाम इज 100 किलोमीटर्स, एंड यस पहलगाम टू श्रीनगर अप डाउन करना एक दिन में पॉसिबल है, मैंने भी किया था। एंड बात कर लेते हैं कि पहली बात तो पहलगाम में देखने के लिए कौन सी प्लेसेस है। देखिए पहलगाम में देखने के लिए 4 प्लेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं एंड एक दिन में सारी कवर हो सकती है। मुझे कमेंट्स भी आए थे कि पहलगाम में क्या एक दिन स्टे करना ज़रूरी है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई स्टे करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहलगाम इतना खूबसूरत है कि आपका मन ही नहीं भरेगा उसकी ब्यूटी देखने से। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप स्टे कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिए ओवरनाइट का स्टे, बट अगर आपको नहीं करना तो भी चलेगा, इट्स ओके, इट्स फाइन, आप पूरी जगह इजिली कवर कर सकते हैं। आपको 4 प्लेसेस मैं बता रही हूँ जो पहलगाम में कवर करने वाली है, चंदनवाड़ी, बिताब वैली, अरू वैली, एंड एक है मिनी स्विट्जरलैंड करके एक स्पॉट है। बेसिकली वो छोटा सा ट्रैक है 1 घंटे का आपको सिर्फ करना है, बट ये सारी जगह बहुत ही ईजिली एक दिन में कवर हो जाएगी, सुबह जाके आप शाम को वापस भी आ सकते हैं। मैं बात करूं कि श्रीनगर से पहलगाम जाया कैसे जाए, तो श्रीनगर से पहलगाम जाने के लिए जो कैब चार्जेस होते हैं वो होते हैं 4,000 तक अप एंड डाउन के, जो आपको लेके भी जाएगी एंड छोड़ के भी आएगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है कि मानिए कि अगर आप श्रीनगर टू पहलगाम जा रहे हैं तो वो चाहे वो प्राइवेट कैब है चाहे वो शेयरिंग कैब है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पहलगाम की मेन मार्केट तक ही ड्रॉप करेगी। अब पहलगाम की मेन मार्केट से जो मैंने आपको ये जगह बताई है चंदनवाड़ी की या फिर अरू वैली बताब वैली, ये 7-8-9-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इन जगहों को विजिट करने के लिए आपको पहलगाम से एक और नई टैक्सी करनी पड़ेगी, जिसके चार्जेस कुछ आपको मिल सकते हैं 1800 से लेके 2200 तक। अलग अलग टैक्सीज के अलग अलग रेट है, आपको स्क्रीन पर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पहलगाम विद इन पहलगाम कोई शेयरिंग टैक्सी नहीं चलती है, आपको प्राइवेट टैक्सी करनी ही पड़ेगी वहां पर। बट अगर आप श्रीनगर टू पहलगाम बाय शेयरिंग टैक्सी जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 200 इतना कुछ ही लगा था मेरा, मैं आपको दिखा दूंगी वो रेट क्या था। उसका प्रोसेस भी अगर आपको जानना है कि आप श्रीनगर टू पहलगाम बाय शेयरिंग टैक्सी कैसे जा सकते हैं, वो आपको वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने डिटेल में वो इन्फॉर्मेशन कवर करी थी, तो आप उसको भी देख सकते। बात कर लेते हैं होटल की। तो होटल में अगर आप ओवरनाइट का स्टे कर रहे हो, आपको नाम आ रहे होंगे होटल्स के जहाँ पे आप ये चूज कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, फोर्थ डे पे हम विजिट करेंगे सोनमर्ग। फॉर सम रीजन मैंने सोनमर्ग को विजिट नहीं किया था, डेफिनेटली मैंने जितना सुना है सोनमर्ग भी देखने वाली जगह है, आप जरूर देखेगा। मैं आपको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग पूरी प्लेसेस बता रही हूँ कि सोनमर्ग में आपने कौन कौन सी जगहों को विजिट करना है, कौन कौन से होटल्स आप पिक कर सकते हैं रहने के लिए। एंड सोनमर्ग की मैंने कैब के चार्जेस जरूर पता किए थे, श्रीनगर टू सोनमर्ग से 4,000 के बीच में लाई करते हैं, तो आपको प्राइवेट कैब जरूर मिलेगी श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए, जो कि 3-4 हज़ार में आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आप पूछेंगे कि सोनमर्ग एक दिन में पॉसिबल है, तो मैं कहूँगी कि आपके लिए ये सोनमर्ग आई थिंक थोड़ा करना हेक्टिक हो जाएगा एक दिन में, लाइक अप एंड डाउन करना,
वहाँ पे आपको अपना स्टे बुक करना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा आरामदायक ऑप्शन रहेगा। सो दिस इज लाइक डे फॉर आइटनरी फॉर कश्मीर, पूरी चार दिन की बहुत ही अच्छी आइटनरी है जिसमें हम सारी प्लेसेस को बहुत ही ज्यादा आराम से कवर कर लिया हमने। 20,000 से 25,000 तो चाहिए ही चाहिए कश्मीर को एक्सप्लोर करने के लिए, 20,000 to 25,000 आपका आराम से लगेगा। मेन जो टॉपिक है कि क्या कश्मीर सेफ है, एंड मैंने तो कश्मीर में सोलो ट्रैवल किया था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा सोलो ट्रैवलिंग का कश्मीर में, तो मैं आज शेयर करती हूँ आपके साथ। देखिए कश्मीर बिल्कुल सेफ है विजिट करना, इसमें कोई शक नहीं है, आप बड़े आराम से कश्मीर में जाइए, विजिट कीजिए। टूरिस्ट के लिए, ट्रैवलर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे लोग अच्छे हैं। प्राइजेस को लेके मुझे बस थोड़ी सी मैनिपुलेशन लगती है, अदरवाइज वहाँ के लोग बहुत स्वीट है, बहुत हेल्पफुल है। तो आप डेफिनेटली वहाँ पे विजिट कीजिए, कश्मीर सेफ है बिल्कुल जाने के लिए। लेकिन अगर मैं सोलो ट्रैवलिंग की बात करूँ तो सोलो ट्रैवलिंग वहाँ पे मुझे सोलो ट्रैवलर्स बहुत कम मिले ही नहीं थे, इनफैक्ट बहुत कम क्या, मैं ही अकेली वहाँ पे थी जो सोलो ट्रैवल कर रही थी। वहाँ पे हार्डली यू कैन गेट 1 or 2 persons मेनली, मेरे को मतलब पूरे 5 दिन के वहाँ पे कश्मीर के मेरे स्टे में एक ही जना मिला था हार्डली जो कि सोलो ट्रैवल कर रहा था। तो वहाँ पे कश्मीर में आई थिंक लोग प्रेफर नहीं करते सोलो ट्रैवल करना है, मेरे को नहीं पता। मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस ठीक था मेरा, ऐसा कुछ नहीं था। बट ये बात ज़रूर है कि आपको अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको और भी सोलो ट्रैवलर्स मिल जाएंगे, ये बिल्कुल वैसे डिपेंड करता है आपके लक पे, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो गाइस, अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड इन केस इफ आई एम मिसिंग समथिंग, आई एम मिसिंग एन इन्फॉर्मेशन, यू कैन प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर थोड़ी सी पसंद आए तो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वी आर सो क्लोज टू 10K, थैंक यू सो मच, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।